स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश टीचर सुनील शर्मा टुडे वी आर गोइंग टू डू आर नेक्स्ट लेसन अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच तो ये भूत की कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है सो अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच देयर वॉज वंस अ रैसलर कॉल्ड विजय सिंह एक बार एक रेसलर था जो कुश्ती किया करता था जिसका नाम था विजय सिंह टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर एक लंबे कद का आदमी और मैसिव शोल्डर जिसके शोल्डर बड़े तगड़े थे एंड मस्कुलर आर्म्स और जिसके हाथ भी बड़े मस्कुलर थे यानी कि बॉडी बॉडी वाले हाथों थे ना वो वाले ही टावर ओवर अदर लाइक ए जाइंट वो इस तरह से खड़ा दिखता था जैसे कि कोई जाइंट खड़ा हो दा हो विजय सिंह पीपल सेट वॉज बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड लोग कहते थे कि विजय सिंह जो है ये तो जन्मजात ही रेसलर है और ये हर तरह के रेसलर को संसार के हर किसी रेसलर को हरा सकता है दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशंस इस पहलवान में एक कमी भी थी जो इसको कई बार अजीब सी स्थिति में डाल देती थी ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग वो अपनी ना सेल्फ प्रेज करने का बड़ा मतलब आदि था डींगे मारता था बोस्टिंग करता रहता था अपने आप को खूब बढ़ा चढ़ा के बोलना वन डे ही वो सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन एक बार वो बाज़ार में बैठा था और उसके आसपास चारों तरफ और आदमी बैठे थे आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क कई ग्लास दूध पीने के बाद ही सडनली प्रोक्लेम्ड उसने कहा वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट कहता लोग भूतों से क्यों डरते हैं आई एम नॉट मैं नहीं डरता आई विश आई मेट ए स्टाउट गॉस्ट कहता मेरी इच्छा है कभी मैं भूत से मिलूं आई टीच हिम लेसन और मैं उसे कोई सबक सिखाऊं। एक एक बात और स्टूडेंट्स ये आपको कई बार मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए ये जो लिखा हुआ है आईड है ना इसको आपने ये वाला आई अपोस्ट डी ये देखो फिर आगे टीच लिखा हुआ है तो ये आई हैड भी हो सकता है ये आई वुड भी हो सकता है तो कैसे पता चलता है इसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हो जैसे टीच फर्स्ट फॉर्म है टीच टॉट टॉट ऐसे होती है अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो तो होगा वुड क्योंकि मॉडल होता है वुड के मतलब मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म और अगर थर्ड फॉर्म हो तो ये फिर आई हैड माना जाएगा अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म दी होती है तो फिर आई हैड अगर यहाँ टॉट लगा होता टीच की जगह तो फिर ये हैड बोलते हैं हम इसको वैसे आइड कहते हैं जो आइड तो पता कैसे चलता वुड है या हैड है थर्ड फॉर्म हो तो हैड और फर्स्ट हो तो वुड चलो सो so, कहता काश मैं भूत से मैं उसको सबक सिखाता देर वर ममर्स अपलोस एज वेल एज अप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन अब जो वहाँ पे बैठे थे उनके बीच में अब बातें होने लगी इस बारे में भी इसकी प्रेज करने लग गए विजय सिंह की फिर कहते हैं इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट अब वो लोग कहते हैं भाई अगर तुम वहाँ हॉन्टेड डेजर्ट है हॉन्टेड होता है ड्रामना जैसे भूतिया डेजर्ट होता है रेगिस्तान कहते वहाँ अकेले जाओ तुम अगर रात को वन ऑफ देम सेट उनमें से एक ने कहा यू आर श्योर टू मीट गोस्ट तो तुम्हें वहाँ जरूर भूत मिलेंगे द रोम देयर फ्रीली दे रोम देयर फ्रीली रोम होता घूमना कहता वहाँ वो ऐसे ही घूमते फिरते हैं भूत स्टें एंड माउंस कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस और अजीब सी आवाज़ें चीखें वहाँ सुनी जा सकती हैं ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड ट्रैवलर्स को वहाँ पर लूट लिया जाता है ये लूट इंग्लिश का वर्ड ही है तो लूटेड थर्ड फो सेकेंड इसमें थर्ड है तो उनको लूट लिया जाता है और उनको मार दिया जाता है वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देर क्या तुम सच में वहाँ जाना पसंद करोगे विजय सिंह माई टी हार्ट मिसड ए बीट और टू एक बार तो विजय सिंह का दिल थोड़ा धड़का वाई डिड ही हैव टू बोस्ट उसको लगा भी मुझे क्या जरूरत थी डिंगे मारने की ऐसे अपनी यस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट विजय सिंह भी कहते हैं हाँ, मैंने सुना उस ड्रामने रेगिस्तान के बारे में ही सेड नोन चैलेंटली उसने मतलब बोला आई थिंक इट्स जस्ट ए फेयर डिटेल कहता मेरे को लगता है ये सिर्फ एक कहानी है ओ नो सेट वन ऑफ हिज एडमायर्स उनमें से उसके एक एडमायर्स ने कहा नहीं नहीं प्रशंसक ने कहा भाई इट्स ट्रू ये सच है दिस प्लेस इज टेन माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर कहता है ये दस मील आगे गया वेस्ट साइड में जैसलमेर की तरफ रोड पे। द लैंड मार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ ए कैमल और जहाँ से वो रास्ता शुरू होता है वहाँ पे एक रॉक रखी है चट्टान रखी है जिसका जो लगता है जैसे भी कैमल का हेड हो ये उसकी निशानी है वहाँ की बियड दैट देर इज़ नथिंग फिर उसके आगे कुछ भी नहीं है बट सैंड रेत है विल्डरनेस सुनसान है एंड ऑफकोर्स गोस्ट और बस भूत है आगे ऑलमोस्ट द इंटायर विलेज टर्नड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयर वेल टू विजय सिंह तो विजय सिंह ने तैयारी कर ली जाने की और सारा गाँव इकट्ठा हुआ उसको वहाँ से रवाना करने के लिए हुडी टू सेट आउट वेस्ट जस्ट देन एन ओल्ड वूमेन केम फॉरवर्ड तभी एक बुरी औरत और वहाँ आई और थर्स्ट ए स्मॉल पैकेट इन टू हिज हैंड्स उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट दिया विजय सिंह के एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इन टू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट और फिर विजय सिंह रवाना हो गया उस जैसे लाल रंग का जैसे मुरुस्थल होता है जैसे आपको पता है एज ई वॉक द नाइट डिपेंड अब जैसे जैसे वो चलता गया रात गहराती गई द मून वॉज ब्राइट चांद चमकने लगा एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई और राजस्थान की तो आपको पता है जैसलमेर राजस्थान में ही है तो वहाँ पे तारे टिमटिमा रहे थे रात चांदनी थी स्टिल ए फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन अभी वो थोड़ा दूर ही था डेस्टिनेशन से विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन पैकेट विजय सिंह को उस ओल्ड वूमेन ने जिसको एक पैकेट दिया था उसकी याद आई ही ओपनड इट उसने उसको खोला एंड फाउंड नथिंग बट ए लंप ऑफ सॉल्ट एन एंड एग उसने खोल के देखा तो उसमें एक अंडा था और एक मुट्ठी भर जैसे सॉल्ट था नमक था द ओल्ड वूमेन वॉज वेल नोन फॉर हर इसट्री इसेंट्री सिटीज वो ना अपनी अजीब हरकतों के कारण वैसे ओल्ड वूमेन वो जानी जाती थी जहाँ रहती थी वो गाँव में एज विजय सिंह स्टेप्ड इन टू द हॉन्टेड डेजर्ट फिर जैसे ही विजय सिंह ने उस हॉन्टेड डेजर्ट में प्रवेश किया ही हर्ड ए वॉइस उसको एक आवाज़ सुनाई दी विजय सिंह विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट तुम इस डेजर्ट में गुम हो जाओगे कम दिस वे इस रास्ते से आओ आई एम योर फ्रेंड मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर मेरा नाम नटवर है एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए गोस्ट तो विजय सिंह को पता चल गया ये कोई नटवर नहीं है ये कोई भूत है ट्राइंग टू साउंड ब्रीव ही कॉल्ड बैक अब वापस बहादुरी से विजय सिंह बोलता है वेयर आर यू माई डियर नेटवर्क कहता है प्यारे नेटवर्क कहाँ हो इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू अंधेरा बहुत है मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा कम हेयर एंड शो मी द वे यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ लाइक ऑल गुड रेस्लर्स जैसे कि और रेसलर्स करते हैं अच्छे रेस्लर विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अपज एनमी विजय सिंह अपने दुश्मन को देखना चाहता था सून द कोस्ट अपियर फिर जल्दी ही गोस्ट उसके सामने आया विजय सिंह पियर्ड इन टू हिज फेस एंड डिक्लेयर यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग गोस्ट कहता तू तो एक सिंपल सा गोस्ट है झूठ बोल रहा है एनी वे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट कहता चलो ठीक है मुझे अब सारी रात नहीं चलना पड़ेगा आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलने की सोच रहा था नोट यूज टू इंसल्ट अब द गोस्ट वॉज टेकन अ बैक अब भूत को अपने इंसल्ट की ऐसे कभी आदत नहीं थी कभी किसी ने इंसल्ट नहीं की थी तो वो हैरान हो गया पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर सॉरी पीपल अक्सर भाग जाया करते थे डर के मारे वेन दे मीट मेट हिम जब वो उससे मिलते थे दे ऑफन फेंटेड वो बेहोश भी हो जाते थे बट हियर वॉज दिस अनफिलिंग क्रीचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट ए गोस्ट तो कहता है, लोग तो बेहोश हो जाते थे उसको देख के बट ये जो एक ऐसा आदमी है जो भूत से मिलना चाह रहा है इट डिडेंट मेक सेंस ये तो कोई बात नहीं हुई भूत सोचता है रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी द गोस्ट सेट भूत कहता भी मुझे नहीं समझ आ रहा भी तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे दैट प्रूव्स एट विजय सिंह इन ए बॉड वॉइस अब विजय सिंह बड़ी बॉड वॉइस में बोलता है ऐसे दैट यू आर ए स्टूपिड गोस्ट कहता तू यार एक स्टूपिड गोस्ट है भूत द लीस्ट ए गोस्ट कैन डू इट टू रीड ए मैनस थाट मतलब जो बहुत कम भूत होते हैं जो एक आदमी के विचारों को पढ़ सकते हैं भी क्या सोच रहे हो आदमी हाउ एवर ए वर्थलेस गोस्ट लाइक यू इज़ बेटर दैन नो गोस्ट कहता तेरे जैसा भूत होने से विजय सिंह कहता है भाई तेरे जैसा भूत होने से अच्छा है तो भूत हो ही ना द फैक्ट इज़ आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन आई वॉन्ट टू फाइट ए गोस्ट कहता मैं बताता हूँ भी तेरे से मिलने में क्यों आया हूँ क्योंकि मैं और आदमियों से फाइट करते करते अब मैं बोर हो लिया और मैं अब कोई भूत से मतलब ट करना चाहता था द गोस्ट वॉज स्पीचलेस अब गोस्ट चुप रह गया उसको मुंह से जुबान ने निकले कुछ मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स ही मेड एन टू लुक विजय सिंह स्कॉनफुली इन द आई फ्रेंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रोंग टू मी अब गोस्ट वैसे तो बोल नहीं पाया कुछ फिर हिम्मत करके उसको अपना दिमाग लगाते हुए कहता है कोशिश करता है विजय सिंह को आंखों में ऐसे देख के उसको कहता है कहता है, मुझे तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं लगा विजय सिंह को बोलता है अब विजय सिंह कहता है अपियरेंसिस कैन बी डिसेप्टिव कहता है, देखने से लोग धोखा खा जाते हैं टेक योर ओन केस कहता अपना ही केस ले ले तू भूत को कहता है यू क्लेम टू बी नटवर तू कह रहा तू नटवर है दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए गोस्त तू तो एक मामूली सा भूत है इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ अगर तेरे को मेरी स्ट्रेंथ पे आ, डाउट है शक है तो लेट मी गिव यू ए डेमस्ट्रेशन ऑफ इट तो लेरे ले, को मैं मेरी ताकत का एक प्रदर्शन दिखाई दूँ एक डेमो दे दूँ मैं तेरे को सेकेंड पार्ट विजय सिंह पिकड अप ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड विजय सिंह ने एक पत्थर का पीस उठाया टेक दिस और भूत को दिया ही ऑफर्ड इट टू द गोस्ट भूत को दे दिया एंड स्क्वीज इट हार्ड कहता है इसको दबा निचोड़ इसको पत्थर को इट इज फिल्ड विद फ्लूड इसके अंदर फ्लूड है सी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं गलत हुआ वाइल द गोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फिर भूत ने उस पत्थर को लेकर कोशिश की स्क्वीज करने की उसको जैसे हम नींबू को करते हैं एक हाथ से फिर देन विद बोथ फिर दोनों हाथों से कोशिश करता है विजय सिंह स्टिल्थली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट तो स्टिल्थली होता है मतलब एकदम से चुपचाप से भी पता ना चले तो विजय सिंह ने अपनी जेब से वो अंडा निकाला जो उसको बुढ़ी ने दिया था बुढ़ी औरत ने विजय सिंह स्नैश द रॉक फ्रॉम द गोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स विजय सिंह ने वो पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से लिया और अपने दोनों हाथों में लिया और स्क्वीज किया उसको एट वंस द येलो योक उज्ड फ्राम अराउंड हिज फिंगर्स जब आपको पता है एग के अंदर योक होता है तो जैसे ही विजय सिंह ने उसको दबाया तो उसके हाथों में फिंगर्स पे वो लिक्विड आ गया एंड द क्रैकलिंग ऑफ एग शेल क्रिएटेड द एल्यूजन ऑफ द स्टोन बींग क्रश्ड और जो एग के टूटने की आवाज़ से ऐसा लगा भी जैसे पत्थर क्रैश हुआ हो क्रश हुआ हो द गोस्ट वॉज एस्ट्रोनिस्ट बहुत हैरान हो गया ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बैंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विद सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टिल शेल भूत इतना हैरान हुआ था कि भूत को पता पता ही नहीं चला उसने मतलब नोटिस ही नहीं किया विजय सिंह नीचे बैठ के और रेत में सैंड में अपने हाथ साफ कर रहा है विजय सिंह देन पिकडअप अनदर पीस ऑफ रॉक फिर विजय सिंह ने एक पत्थर और उठाया छोटा सा दैन पिकडअप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द गोस्ट फिर भूत को दिया विदाउट ए वर्ड द गोस्ट टूक इट बिना कुछ कहे भूत ने उसके हाथ से ले लिया फेल्ट इट उसको देखा एंड पियर्ड एट इट विजय सिंह पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट इतने में विजय सिंह ने क्या किया अपनी जेब से जो बूढ़ी औरत ने नमक दिया था सॉल्ट दिया था वो निकाल लिया दिस इज ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट घोस्ट कहता है ये तो स्टोन है पत्थर है एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी और बाकी अंधेरा इतना दिखाई नहीं दे रहा नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क विजय सिंह कहता है मैंने ऐसा भूत नहीं देखा जो अंधेरे में नहीं देख सकता दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन सॉल्ट कहता है ये पत्थर जो तेरे हाथ में ना विजय सिंह भूत को कहता है तेरे हाथ में जो पत्थर है ये इसमें नमक है क्रम्बल इट एंड सी इसको मतलब कर क्रश कर और देख अगेन द गोश्त ट्राई टू क्रश द स्टोन गोश्त ने फिर कोशिश की उसको क्रश करने की तोड़ने की बट इन वेन पर सब व्यर्थ कुछ नहीं कर पाया वो कर नहीं पाया क्रश ही एंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह फिर उसने वो पत्थर विजय सिंह को दे दिया द गोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज गोस्टली पावर अब भूत को अपने ही पावर पर शक होने लगा था आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी ए वर्दी ओपोनेंट विजय सिंह कहता है यार मेरे को लगता है तू मेरे लायक है ही नहीं मैं तेरे साथ फाइट करूँ वट इज़ द यूज ऑफ रेसलिंग विद व वीकनिंग हूम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट कहता है इस ऐसे भूत से लड़ने का क्या फ़ायदा जिसको मैं मिनट में ही फर्श पर गिरा दूँ सो so सिंग ऐसा कहते हैं विजय सिंह कैजली क्रम्बल्ट लंप ऑफ सोल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस इतना कहते ही उसने क्या किया धीरे से पत्थर को फेंक दिया और वो सोल्ट था, था जो उसको अंधेरे में मतलब अपने हाथ में ले लिया ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द गोस्त टू टेस्ट फिर उसने ऐसे कहा ले इसको टेस्ट कर भूत को बोला इस पाउडर को मेसमराइज विद द पहलवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द गोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड तो भूत ने वैसा ही किया उसको लगा भी उसने पत्थर को मतलब क्रश कर दिया जबकि पत्थर तो विजय सिंह ने फेंक दिया था साइड में अलाम शॉर्ट थ्रू हिम दिस मैन कुड ईजिली वेन क्वेश हिम इन ए रेस्लिंग बाउट इन द डार्क अब उसे पता था अभी ये तो इसको हरा देगा बट पर परहैप्स ही कुड भी ट्रिक्ड इन अदरवेज पर शायद किसी और तरीके से इसको हराया जा सकता है भूत सोच रहे है Assuming servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an ऑनर to meet a man like you." भूत कहता है तेरे जैसे आदमी से मिलना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है इज्जत की बात है hai i admit to being defeated. मैं मानता हूँ कि मैं हार गया gaya but where will you go tonight आज तुम आज रात कहाँ जाओगे रेस्ट इन माई हाउस मेरे घर में रुको रेस्ट करो यू कैन लीव टूमोरो तुम कल जा सकते हो नाउ थोरोली इलेटेड अब बड़ा खुश होते हुए विजय सिंह रिप्लाइड विजय सिंह ने कहा आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी मैं तुम्हारे ये आदर सत्कार को कैसे मना कर सकता हूँ बट टुमोरो यू विल गो विद मी पर कल तुम मेरे साथ चलोगे भूत को कहता है एज माई प्रिजनर मैं तेरे को मतलब बंदी बना के लेके जाऊँगा कैदी बना के आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल और मैं मेरे लोगों को दिखाऊंगा दिखाऊँगा देखो मैं जीत के आया हूँ द गोस्ट अबाउट इन अग्रीमेंट अब भूत कहता ठीक है बट साइलेंटली वाओ टू किल विजय सिंह इन द नाइट पर मनी मन में धीरे सी एक वाव होता है जैसे शपथ लेना कसम लेना भी विजय सिंह को मैं मार दूंगा ही लेट हिम टू हिज हाउस इन द केव केव होती है गुफा तो वो उसको गुफा में ले जाता है अपनी गुफा में भूत द गोस्ट फैड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड ए लॉट ऑफ मिल्क गोस्ट उसको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खिलाता है दूध पिलाता है एंड लेटर लेड हिम टू लग्जरियस बेड टू स्लीप होना और फिर एक अच्छे लग्जरी बेड पर उसको सिलवाता है कम्प्लीट विद पिलोज एंड बॉल्स्टर्स जो कि तकियो से और तकियो जैसे ही होते हैं बॉलस्टर्स भी उनसे खूब सारे बेड पर होते हैं बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोवर्स ऑफ द गोस्ट अरे रात को सो जाते हैं और विजय सिंह क्या करते हैं स्नोवर्स होते हैं खराटे तो विजय सिंह इसके खराटे सुनता रहता है स्नोर्स है खराटे होते हैं इन द मिडल ऑफ द नाइट जब रात आधी रात हो गई ही स्लिप्ड ऑफ इज बेड तो विजय सिंह अपने बेड से खड़ा हुआ ही प्लेस्ड डे बॉलस्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड तो उसने क्या किया एक तक को ये जो बड़ा सारा होता है उसको बीच में रख दिया बेड के थ्रोइंग ओवर इट कवर लेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक स्लीपिंग मैन और उसको इस तरह से कर दिया चादर वगैरह देके भी जैसे कोई आदमी सो रहा हो हैविंग डन दिस ही क्राउस्ट वॉचफुली इन ए डार्क कॉर्नर और फिर जाके छिप गया क्राउच होता है छिप जाना एक डार्क कॉर्नर में श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन और सुबह होने से पहले जैसे सुबह तीन चार चार बजते हैं जैसे इसको प्रभात का वक्त कहा जाता है द गोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद स्टाउट क्लब अब गोस्ट क्या करता है एक छड़ी सी ले कर उसके पास जाता है ही ब्रोट द क्लब डाउन ऑन वट ही थाट वॉज विजय सिंग्स हैड अब उसने जो अपनी वो डंडा होता है उसके हाथ में उसको विजय सिंह के जहाँ सिर होता है विजय सिंह का वैसे तो वो तकिया लगा जाता है वो और खींच के मारता है नोट हियरिंग विन ए ग्रोन और थोड़ी सी आवाज़ भी नहीं आती ही स्माइल्ड भूत स्माइल करता है प्लीज प्लीज खुश हो जाता है दैट ही हैड किल्ड हिज कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया एनिमी क्या होता है दुश्मन हाउ एवर जस्ट टू मेक डबली श्योर ही स्टक द बॉस्टर सिक्स टाइम्स मोर पर श्योरिटी के लिए वो छः बार और मारता है ही रिटर्न टू हिज काउच फिर अपने बेड पे आ जाता है एंड कवरिंग हिज हेड और अपना सिर कवर करके लेट जाता है सेटल डाउन टू तो स्लीप अगेन दोबारा सो जाता है मीन वाइल विजय सिंह क्रैप्ट साइलेंटली बैक इन टू बेड और इतने में ही विजय सिंह भी आके अपने बेड पे लेट जाता है आफ्टर ए रिपोज थोड़ी सी देर बाद ही ग्राउंड वो थोड़ी सी आवाज़ सी करता है एज इफ इन डिसगस थ्रू बैक हिज कवर लेट एंड सेटअप और अपना जो चद्दर वगैरह ओढ़ी होती है उसको साइड में करके और बैठ जाता है डिस्टर्बड बाय द नॉइस नॉइस से शोर से परेशान होकर द गोस्ट पीप्ड गोस्ट देखता है झांक के अपनी चद्दर में से फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड भूत देखता है भी वो तो विजय सिंह है जो अपने हाथ से अंगड़ाइयाँ ले रहा है योनिंग ले रहा है उबासियाँ ले रहा है फॉर ए मोमेंट द गोस्ट अंड रिजिड विद शॉक थोड़ी देर तो उसको झटका लगता है भूत को अब विजय सिंह कहता है फ्रेंड गोस देर आर इंसेक्ट्स इन योर केव कहता है यार तेरे तो यहाँ इंसेक्ट्स हैं गुफा में कीड़े मकोड़े हैं सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस शिकायत करते हुए कहता है हेयर आई वॉज इन्जॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप यहाँ तो मैं इतनी मीठी नींद ले रहा था आई हैव हैड इन एयर्स जो मेरे को सालों में आई है एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी और यहाँ पे कीड़े मकोड़े आ गए मेरे को परेशान करने के लिए आई डिस्टिंगली काउंटेड सेवन फ्लैपिंग मैंने सात बार इनको काउंट किया सात बार मुझे परेशानी हुई है जो उसके जैसे पंखों की सी आवाज आ रही हो कोर्स इट हैज नॉट बिटन मी हाँ मतलब इंसेक्ट से मुझे काटा तो नहीं बट इट्स मोस्ट अनोइंग पर बड़ी मतलब चिड़ सी चढ़ रही थी कता मेरे को द गोस्ट पैनिक्ड द गोस्ट पैनिक्ड भूत डर गया दो सेवन ब्लोज वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प कहते जो सात इसने सात बार भूत ने उसके मारा था अगर कोई और आदमी होता तो वो पल्प बन गया होता उसका कीमा बन गया होता देर इज़ नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेस्लर लाइक दिस कहते इसके पास रहना तो कोई सेफ्टी नहीं है ही थॉट एंड फ्लड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गोटन वेल्थ वो अपना सारा जो लूट का माल था भूत सब छोड़ के वहाँ से भाग गया इट टुक सेवरल कैमरल फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एकड विजय सिंह को बहुत सारे ऊँट मंगवाने पड़े गाँव से उस इतना लूट का माल जो था उसे भूत ने लूटा हुआ था वो ले जाने के लिए ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स और बा बहुत सारा सामान तो जो उसके राइटफुल ओनर्स थे जिनका था उनके हाथ में पहुंच गया वापस ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वूमेन फिर वो स्पेशली उस ओल्ड वूमेन के पास गया थैंकड हर फॉर हर इन वैल्यूएबल गिफ्ट तो उसको थैंक्स कहा क्योंकि उस बुढ़िया ने उसको एक एग और एक सॉल्ट वो दिया था एंड आस्क फॉर हर ग्रैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज और उस बुढ़िया की जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी उसका हाथ मांगा शादी के लिए डैन्स फोर्थ विजय सिंह वॉज मेयर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग उसके बाद विजय सिंह क्या अपनी बोस्टिंग करनी बंद कर दी मतलब उसने ध्यान रखता था भाई डींगे नहीं मारूँगा सेल्फ प्रेज नहीं करूँगा क्योंकि परेशानी में डालती थी इट इज सेट दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रेवल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट और ऐसा कहा जाता है फिर उसके बाद उस डेजर्ट में कोई भी ट्रेवलर था उसको कभी भी किसी ने परेशान नहीं किया कोई भूत वूत नहीं आया उसके सामने तो ये है स्टोरी स्टूडेंट्स आई होप यू इन्जॉय द स्टोरी रिटर्न बाय इंदिरा डेविड ओके सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय